हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ सॉल्यूशन पे। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं हूँ अभी कैलिफोर्निया अमेरिका में। मैं यहाँ से हेयर कलर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है डे वन। आज मैं सिखाने वाला हूँ कलर के बारे में। तो कलर के अंदर मैं आज सारे ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये है लॉरियल बुक, इसके बारे में बताऊँगा बेसिक टू लेके एडवांस तक, ठीक है। फिर है मेरे पास मैट्रिक्स बुक, इसके अंदर भी हर तरह का डिटेल्ड वीडियो जो है हम बनाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। और वेला, ये तीनों कंपनीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर इसके बाद भी लगता है कि टाइम बच जाएगा तो विल प्लान शॉस्कॉफ, इसके बारे में भी पढ़ाऊँगा। तो ये क्लासेस अभी शुरू हो जाएंगी। मैं थोड़ा थ्योरिकल होगा, थ्योरिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसी से ही आपकी पूरी नॉलेज कलर की क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसलिए ज़्यादा इंसिस्ट करता हूँ कि आप कलर थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ सीधा मैं बुक पे लेके चलता हूँ। पहले हम लॉरियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और मैं मिक्स एंड मैच करता जाऊँगा। जो चीज़ें बेसिक हैं वो लॉरियल में भी सेम होंगी, वो वेला में भी सेम होंगी, वो मैट्रिक्स में भी सेम होंगी और वो शॉस्कॉफ में भी सेम होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो सारे ब्रांड में सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कलर क्लास डे वन, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए फ्री है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आज की क्लास को। इस चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, स्वागत है मेरे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉरियल के बारे में, जो कि है कलर बेसिक। ये जो बुक है ये लॉरियल कंपनी सब लोगों को देती है जो भी पढ़ने आते हैं। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, हम एडवांस तक जाएंगे और जितनी भी क्लासेस हैं, कलर कैसे करते हैं, कौन कौन से कलर से क्या बेनिफिट है, सारी डिटेल्स, क्या बेस है, क्या अंडरकोट्स हैं, क्या टोन्स हैं, मैं सब सिखाने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा ये क्लासेस लेने के लिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है डे फर्स्ट और मैं तीन ब्रांड सिखाने वाला हूं, लॉरियल, वेला और मैट्रिक्स। और अगर प्लान हुआ तो शायद मैं फ्यूचर में शॉस्कॉफ भी सिखा सकता हूँ, डिपेंड करता है कि हम क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है कलर बेसिक, जैसे कि आप देख रहे हो, कलर सेमिनार, ठीक है। लॉरियल ब्रांड हम आज बात करेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू बेसिक कलर एजुकेशन, दिस कोर्स प्रोवाइड एन एक्सीलेंट फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। द कलर बेसिक सेमिनार इंक्रीज कॉम्पिटेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ कलर एंड नॉलेज ऑफ लॉरियल प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स। By building this strong foundation, salon professional can optimize their color business by recruiting new color clients. तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उनके लिए बता दूं, ये बता रहे हैं कि ये जो हम आज पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, इससे आपकी कलर की नॉलेज बढ़ेगी, जिससे आपका क्लाइंट फाउंडेशन, क्लाइंटेज भी बढ़ेगा, ओके। तो आप अपने सलोन को अच्छे से चलाने में, प्रोफेशनल सलोन को अच्छे से चलाने में हेल्प हो पाएगी आप लोगों को। तो मैं सेकंड पेज पे आता हूँ। यहाँ पे कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में है। थोड़ा जूम करना चाहेंगे तो यहाँ पे है हेल्थ एंड सेफ्टी। फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ एंड योर क्लाइंट, प्लीज़ फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस। आप अपने और अपने क्लाइंट की अच्छी हेल्थ के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इम्पोर्टेंट, दीज प्रोडक्ट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन विच इन सर्टन रेयर केसेस मे बी सीवियर। फॉर यू एंड योर क्लाइंट इट इज़ असेंशियल टू फॉलो द प्रिकॉशंस बिलो। इसमें बताया है ये प्रोडक्ट से एलर्जी भी हो सकती है, रिएक्शन भी हो जाता है शायद, बट रेयर है, सब लोगों को नहीं होता है, और उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ें तभी ये काम करें। उसके बाद है वेयर अ सूटेबल डिस्पोजेबल ग्लव्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एप्लीकेशन एंड रिंसिंग ऑफ द प्रोडक्ट।
जब भी आप कोई केमिकल लगाएं तो आपको एक डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, और या फिर वो केमिकल प्रोडक्ट को आप रिंस करें तो भी। तो डू नॉट यूज़ इफ़ आप क्या ना यूज़ करें, योर क्लाइंट हैज़ प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अ रिएक्शन टू द हेयर कलरेंट, दैट मीन अगर क्लाइंट ने पहले हेयर कलर करवाया था और उसमें उसको रिएक्शन हुआ था तो ये यूज़ ना करें बिल्कुल भी, ओके। दूसरा आ जाता है, योर क्लाइंट हैज़ अ सेंसिटिव इची और डैमेज स्कैल्प, जिनके सेंसिटिव डैमेज और इची स्कैल्प, इची मतलब जिनके खारिश होती है, खाज होती है, तो उनके ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लगाना है। परफॉर्मेंस से पहले आपको 48 आवर्स पहले ये प्रोडक्ट आपको, इसको बोलते हैं सेंसिटिव टेस्ट या स्टैंड टेस्ट या पैच टेस्ट। पैच टेस्ट का मतलब है आप कान के पीछे ये प्रोडक्ट लगाओगे, जो कलर क्लाइंट कराने वाला है सेम वही कलर आप क्लाइंट के हाथ पे लगा सकते हैं या इस जगह पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा के छोड़ दें 48 आवर्स के बाद, देखें कि उनका रिज़ल्ट क्या, उनको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, तो वो देखना है हमें। परफॉर्म अ स्किन सेंसिटिव टेस्ट एट 48 आवर्स बिफोर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं स्किन सेंसिटिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। स्किन सेंसिटिव टेस्ट क्लीन विद सर्जिकल स्पिरिट 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द ईयर, ये बोलते हैं कि कान के पीछे टेस्ट करो, जो कि कॉटन के साथ आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी माजिरल क्रीम, और रीअप्लाई 2 to 3 times टू ड्राई, कि क्लीन विद सर्जिकल स्पिरिट। जब सेंसिटिव स्किन सेंसिटिव टेस्ट होता है उसको कैसे करना है, ईयर के पीछे आप कॉटन बर्ड से अप्लाई कर सकते हैं कोई भी माजिरल क्रीम, बिफोर मिक्सिंग रीअप्लाई 2 to 3 times, अलाउ इट टू ड्राई बिटवीन ईच एप्लीकेशन, केयरफुली क्लोज द ट्यूब, लीव इट फॉर 48 आवर्स विदाउट वॉशिंग इट, इफ ड्यूरिंग दिस पीरियड योर क्लाइंट नोटिस इचेज और रेडनेस, डू नॉट यूज माजिरल। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है, हम प्रोडक्ट लगाते हैं 48 आवर्स के अंदर अंदर उसके कान के पीछे जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लगाया या हाथ पे लगाया है, अगर कोई इशू होता है तो आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। माजिरल प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद है ये वाला, डू नॉट यूज़ प्लेटिफिस प्रसीजन विद 40 volume। प्लेटिफिस मतलब जो इनका ब्लीच है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है 40 volume के साथ। Do not use magic contrast for global color. जो magic contrast इनकी एक फैमिली है जिसमें रेड कलर होते हैं ज़्यादातर, तो वो आप ग्लोबल कलर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये L'Oreal कंपनी का ऐसा बोलना है। और ये सेम चीज़ यहाँ हिंदी में बताई गई है, हिंदी आप पढ़ सकते हो आराम से। ज़रूरी जानकारी सुरक्षा निर्देश, इस उत्पाद से एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है जो कुछ दुर्लभ अवस्थाओं में गंभीर हो सकती है, आपके ग्राहक तथा आपके लिए ज़रूरी है कि निम्नलिखित सावधानियों का पालन किया जाए, उत्पादन का मिश्रण बनाने उपयोग तथा धोते समय उपयुक्त डिस्पोजेबल दस्ताने पहने, उपयोग ना करें अगर आपके ग्राहक को पहले कभी हेयर कलर से प्रतिक्रिया हुई है, मतलब एलर्जी हुई है, आपके ग्राहक का सर संवेदनशील या क्षतिग्रस्त हो या उसमें खुजली हो तो ये मत यूज़ करें, इस उत्पादन के उपयोग से कम 48 घंटे में पहले त्वचा संवेदनशीलता परीक्षण कर ले, कहीं एलर्जी तो नहीं हुई, तो ये ज़रूरी है देखना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है क्लाइंट को, ठीक है। त्वचा संवेदनशीलता परीक्षण, कान के पीछे 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में सर्जिकल स्पिरिट से साफ करें, और फिर मिश्रण बनाने से पहले रुई से थोड़ा माजिरल वहां लगाएं, 2 या 3 बार फिर से लगाएं, और हाथ हर बार सूखने के बाद ही लगाएं, ध्यानपूर्वक ट्यूब को फिर से बंद कर दें, 48 घंटे तक त्वचा को ना धोएं। अगर इस समय के दौरान आपके ग्राहक को खुजली होती है या लाली नजर आती है तो माजिरल उपयोग ना करें। प्लेटिफिस प्रसीजन 40 वॉल्यूम के साथ बालों में कभी यूज़ नहीं किया जाता है, और माजी कंट्रास्ट बालों में कभी भी नहीं, पूरे बालों में कभी नहीं किया जाता है।
तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको ये सबसे पहले ज़रूरी है कि देखें आप क्या करने वाले हैं। तो ये पढ़ना ज़रूरी है हर एक कंपनी, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ये प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी हैं। ओके, अब यहाँ पे जो सेकंड पेज है वो है कलर ऑफ लाइफ। इसमें बताया गया है कि जो कलर ऑफ लाइफ है, तीन कलर प्राइमरी कलर होते हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। ये सब लोगों को पता है, जल्दी से बता दे मुझे। तो मैं समझाने वाला हूँ आज कलर ऑफ लाइफ, जैसे कि तीन प्राइमरी कलर हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी कलर, ब्लू, रेड एंड येलो। तो ब्लू एंड रेड को मिलाने से वायलेट बनता है, रेड एंड येलो को मिलाने से ऑरेंज बनता है, एंड येलो एंड ब्लू को मिलाने से ग्रीन बनता है। काफ़ी लोगों को इसमें डाउट हो सकता है, शायद नहीं बनाया हो, तो मैंने आज कुछ कलर्स लेके आया हूँ। हमें तीन यूज़ करने हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। तो ये तीनों यूज़ करूँगा और कलर बना के दिखाऊँगा। वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मेरे पास एक छोटे छोटे शॉर्ट्स ग्लास हैं, तो मैंने 6 ऐसे शॉर्ट ग्लास इक्वल पानी से भरे हुए हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे। देखना, सबसे पहले मैं ब्लू कलर मिक्स करूंगा। सिर्फ थोड़ा डिप किया है और इसमें मिक्स कर लूंगा अच्छे से। ध्यान रखिएगा कहीं बुक्स खराब ना हो जाए। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है, जितना हो जाता ठीक है, बाकी कलर मैं पहुंच लूंगा। अभी मुझे नेक्स्ट कलर लेना है, तो मैं ये जो ब्लू कलर है इसको लेके नेक्स्ट कलर कौन सा बनाऊंगा, पहले मैं सारे प्राइमरी कलर मिक्स करके निकाल के रख लूँगा यहाँ पे। तो ब्लू निकाल लिया है मैंने, अभी हम कलर लेंगे सेकंड कलर हमारा है, इसको मैं बंद कर दूँ। ब्लू अभी लूँगा रेड, ठीक है। तो ये अच्छे से साफ होना चाहिए आपका स्पैचुला। मैंने रेड कलर इसमें लिया, मिक्स किया अच्छे से। तो आज मैं कलर एक्चुअली काम कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी तो। तो ये हमारा जो रेड कलर है वो भी मैंने ले लिया है। फिर से रेड कलर होने के बाद ये स्पैचुला अच्छे से क्लीन कर लें, कोई भी इस पर कलर रहना नहीं चाहिए। तो रेड साइड में रख रहा हूँ, यहाँ पे भी रख सकते हैं आप। ब्लू, रेड, अभी हम लेंगे येलो कलर, तो इसको बंद कर दूंगा, येलो ओपन करूँगा। तो मैं येलो फिर उसी तरीके से हल्का सा डिप करूँगा और अपने अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम अभी स्पैचुला को क्लीन कर लेंगे अपने। तो अभी हमारे पास ये तीन कलर हैं, राइट। अगर इसमें मैं इक्वल कलर, मान लो मैंने डाला, सबसे पहले हम ब्लू एंड रेड मिक्स करेंगे, तो उस हिसाब से मुझे देखना होगा। तो ब्लू एंड रेड मिक्स करूंगा कितना इक्वल पार्ट में। तो मैंने थोड़ा सा ब्लू लिया यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा रेड लूंगा। तो ये एक्चुअल में ये वायलेट कलर बन गया है, देख रहे हो आप। एक और तरीका है इसको दिखाने का। तो ये पता करने के लिए मैंने एक पेपर लिया है, नीचे मैंने कोई भी रुमाल रख लिया जिसके ऊपर मैंने पेपर रखा है। अभी टेस्ट कैसे करूंगा ये कलर को, ये क्लीन स्पैचुला पे लूंगा और इस पे निकालूंगा थोड़ा सा और। तो कलर आपको दिख रहा है, कौन सा कलर आया है, सब कमेंट करके बता दें कि कौन सा कलर आपको दिख रहा है, जल्दी से यहां कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा कलर आपको दिखा। तो मैंने अच्छे से स्पैचुला क्लीन कर लिया है, तो हमारा वायलेट कलर बन चुका है ब्लू एंड रेड के मिक्स से।
अभी रेड एंड येलो मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है? सबको पता है राइट, इजी कलर है। तो मैं थोड़ा सा येलो कलर लूंगा और थोड़ा सा रेड कलर लूंगा, अच्छे से मिक्स कर लूंगा। ये बन गया है ऑरेंज कलर, राइट। अभी इसको कैसे टेस्ट करूंगा, थोड़ा सा कलर लूंगा, यहां पे लगाऊंगा व्हाइट पेपर के ऊपर चेक करने के लिए कि एक्चुअल में ये ऑरेंज है भी या नहीं। तो कौन सा कलर दिख रहा है आप लोगों को? तो हमारे पास ऑरेंज कलर भी बन गया है। अभी है ब्लू एंड येलो को मिक्स करने से बनता है ग्रीन, तो मैंने ब्लू भी रखा है एंड येलो भी रखा है। तो इसको मिक्स करूंगा मैं। अभी बनाएंगे हम ग्रीन कलर। तो आप पहले ब्लू ऐड करेंगे, ओके, फिर येलो ऐड करेंगे। इवन होना चाहिए रेशो जो है आपका, वो इवन होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लूंगा मैं। ग्रीन कलर बन गया है? यस, बन चुका है। अभी ये ग्रीन कलर मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे पता चलेगा? यहां पे तो कौन सा कलर है, राइट। तो ये तो हो गए हमारे सेकेंडरी कलर। अब प्राइमरी कलर कैसे दिखते हैं? ये सेकेंडरी कलर मैं यहां पे रख देता हूं। हम नेक्स्ट पेपर ले लेंगे जिसपे मैं आपको सेकेंडरी कलर ऑलरेडी बता चुका हूं, बट प्राइमरी कलर हम देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। ये थे वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो हमारे जो एक्चुअल कलर हैं ये हमने बनाए हैं, ये तीनों कलर बनाए हैं हमने, है ना, वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। अब इस पे रखूंगा ब्लू कलर, देखूंगा कैसा, वो तो सबको पता ही है एक्चुअली। ये ब्लू कलर ऐसा है मेरे पास। फिर आएगा रेड कलर, बट रेड है एक्चुअली, जो प्योर रेड है। साफ कर लूं साथ साथ में स्पैचुला, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाता है। और ये है हमारा येलो कलर। तो ब्लू, रेड एंड येलो के मिक्स से बना वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। अब ये इतना ज्यादा डिटेल में मैं क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आप कोई भी कलर करो तो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये तीनों कलर मिलते हैं तो बनता है नेचुरल ब्राउन कलर। कौन सा? नेचुरल ब्राउन, यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअली, या आप कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फोटो ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हो। तो मैं इसको हटा देता हूं। हमारे जो कलर हैं जो हमने बनाए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास आपको कल या परसों जो भी डे होगा वो कैसे पता चलेगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय, हैव अ गुड डे। हेलो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और सबसे पहली बात कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर दिखाई देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। और ये अपकमिंग कोर्सेज है, इसकी डेट आप देख सकते हो इसके ऊपर ही। और आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस पर हम नए कोर्सेज के बारे में बताते हैं, हेयर टिप्स के बारे में बताते हैं, नए कोर्स कब स्टार्ट होंगे, कौन सी डेट होगी, कौन सा टाइमिंग होगा, और बहुत सारे नए जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उसकी वीडियोज़, उसकी आप बोल सकते हो ट्रेलर जो है, उस इंस्टाग्राम पे यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। और लास्ट में यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमें, हमारे चैनल को, तो इसमें मैंने तीन अलग अलग पार्टीशन बनाए हैं, अकॉर्डिंगली आपको पे करना है, और आप अकॉर्डिंगली वीडियोज भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। तो आप ज्वाइन पे क्लिक करके वहाँ पे एक 3 मिनट का वीडियो है, वो देखिए, और आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ज्वाइन का मीनिंग क्या है।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दो, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो। बेल का आइकन दबाने से आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंजॉय।